सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले मोस्ट फनीस्ट मीम। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। काम की बात भी कर लीजिए। डायलॉग हाथ पर लिखा हुआ है। अरे भाई यार, मतलब वो इतना सारा मतलब पूरी स्किट तैयार करने देती, उनको तो याद नहीं रहता होगा, इसलिए उन्होंने हाथ पैर लिखा है। पर अक्षय भाई को धोती खोल रहे। नेक्स्ट में सीधी बात, नो बकवास। मतलब गाइस, वो जो उसने बोलना नहीं चाहे, बोलने का मतलब दूसरा डायलॉग है वो, मैं आपको सुना के दिखाता हूँ उसी तरह का। मतलब पानी पीना है तो मटके से पियो, काली गलास में क्या रखा है, प्यार करना है तो शिवाजी महाराज से करो, लड़कियों में क्या रखा है, ऐसा है। पर उन्होंने उल्टा कर दिया उसको। तो अभी नेक्स्ट मीम देखते हैं। आपको लगा गाइस वो कैसे रिएक्शंस देते है यार, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और सवाल भी, हर आंसर के पीछे उनका सवाल रहता है, क्यों ऐसा क्यों। अरे मतलब गाइस, जान लो क्या बोलूं। नेक्स्ट मीम देखते हैं। वोट दे रहे हैं आप इस बार? इस बार तो मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूं। जनरेशन है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, आप किसको? देखिए मैं तो बोलता हूं ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी, अगर देश तरक्की चाहिए आपको तो अखिलेश यादव को वोट दीजिए। वाइल्ड कार्ड एंट्री, आज विनर हो गया अखिलेश भाई। भाई यार कुछ भी हो सकता है गाइस। नेक्स्ट मीम देखते हैं। एल्विश भाई खड़ा भी, खड़े भी हो सकते हो, पर कुछ भी। नेक्स्ट मीम देखते हैं। फिर एल्विश ने ट्वीट किया कि जो भी बिग बॉस जीतता है क्या उसका बुरा वक्त हो जाता है शुरू, क्या कहना है इसमें? आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग, मेरा तो अच्छा वक्त शुरू हुआ है। लेकिन तू जीती कब? वो भी मनीषा रानी जीती कब बिग बॉस? तो उसको वो वक्त का, पर सवाल भी उन्होंने क्यों पूछा उनसे। नेक्स्ट मीम देखते। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। इंस्टाग्राम बंद होगा। गाइस ये मीम मैंने मतलब जानबूझ के डाली है, और ये मीम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम आ रही है। क्योंकि गाइस देखो, जो भी ये वीडियो क्रिएट कर रहा है वो उनको जान दो, जो देखने वाले या जो भी समझ लो, जो भी क्रिएट कर रहा है उनके लिए भी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब मैं कौन सी पार्टी को मतलब सपोर्ट नहीं करता हूँ, कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, पर मेरा मतलब जो कहने का मतलब है कि वो आदमी ने जो हमारे देश के लिए करना चाहिए था, जो उन्होंने इनपुट डाला है और जो इस इलेक्शन में उनको आउटपुट मिला है, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। गाइस मतलब ये आदमी के लिए हेड्स ऑफ, इतना कुछ करने के बाद भी उनको ये सब मिला है। तो अगर मतलब अगर कंपेयर किया जाए, तो अगर तुम फॉरेन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के साथ देखो, तो आज तक मैंने कोई भी ऐसी मीम नहीं देखी है कि उनके खिलाफ, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने मीम बनाई या कुछ कॉमेडी। हम अपने खुद के देश के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो इंस्टाग्राम है होल ओवर वर्ल्ड में चलता है, तो फिर वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में अपने
प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रहे तो कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि हम ही उनको वोट देकर मतलब बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और अभी हम उनका मजाक उड़ाएंगे तो इट्स नॉट ए जोक, मतलब इट्स ए जोक, इट्स नॉट ए जोक, मतलब वो कहने का इंटेंशन अलग था पर इट्स ए जोक। तो गाइस प्लीज ऐसा कुछ मत करो। नेक्स्ट मीम देखते हैं अभी, उसका ले वाले दोनों गले मिल रहे, कितना चाहते एक दूसरे को, पकड़ लिया साड़ो। अलैकुम अस्सलाम, भारी मिस्टेक हो गया सर। भाई ज़्यादा गर्म पार्क्स में होने लगा है अभी, मतलब जिधर मैं जिम को जाता हूँ वहाँ पर भी देखने को मिलता है ये सब। तो अभी हम नेक्स्ट मीम देखते, खेलो मगर दिमाग से। जब तक राजू श्याम नहीं आते तब तक मस्त सो जाता हूँ। I was acting. Kid Rock teacher shop. Boss, मानता है कि नहीं? Guys, मतलब ऐसा कुछ मैंने तो experience नहीं किया है अपने life में या अपने college school time में, पर यार बच्चा खेल गया सच में। Next meme देखते हैं। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है चार पल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल का, स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। A few minutes later. क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही ना। महाराज जी जो है मन में मुंह पर बोल दो। तो गाइस नेक्स्ट मीम देखते हैं अभी। वेट फॉर एंड, देखो कुछ नहीं होगा, सब के सब मरोगे मेरे साथ। तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। क्या लबे सीरीज से लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। भाई यार VFX का कमाल है, मतलब वो जो बॉम्ब उन्होंने फटाया है वो VFX और एडिटिंग की वजह से फटा है, तो इसलिए उनको कुछ फेल नहीं हुआ है रियलिटी में, वो सिर्फ बैग फेंका होगा उन्होंने। तो ऑल राइट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।